पाकिस्तान का भारत 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 न्याय 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 जय श्री राम जय श्री राम। जैसा कि आज हम बता दें आज हम बदलापुर विधानसभा क्षेत्र के श्री कृष्णा नगर रेलवे स्टेशन यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल लोकार्पण इस स्टेशन का किया जा रहा है और यहाँ पर इस स्टेशन का पूरा स्वरूप अब बदलने वाला है। बताया जा रहा है कि करीब 24 करोड़ 81 लाख रुपए की लागत से इस स्टेशन का जो है भव्य तरीके से स्वरूप बदला जाएगा और इस स्टेशन का पूरा एकदम पुराना बिल्डिंग जो है उसे ध्वस्त कर नए तरीके से पूरा अच्छी तरह से बनाया जाएगा। आप देख लीजिए अब इस पुराने स्टेशन का सीन आप लोगों को कम ही देखने को मिलेगा। चारों तरफ आप देख सकते हैं उधर जो है जफराबाद जौनपुर की तरफ निकल जाता है और इस साइड जो है सीधा सुल्तानपुर लखनऊ के लिए निकल जाता है। आज यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक रमेश चंद्र मिश्रा जी द्वारा जो है बस थोड़ी ही देर में कार्यक्रम का शुरुआत किया जाएगा जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लोकार्पण किया जाएगा। तो यहाँ पर इस समय आप देखते रहेंगे यह है हमारा स्टेशन। स्टेशन का ये जो आप देख रहे हैं यह बिल्डिंग यह जो है अंग्रेजों के समय बना हुआ बताया और यहाँ पर प्रतिदिन करीब हजारों की संख्या में यात्री यहाँ से आएंगे। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे इस ब्लॉग पर आप बने धन्यवाद। अभी आपके पास सबसे बड़ा प्रमाण है कुवैत में हमारे आठ हमारे भारत के आठ लोगों को बैठा नहीं फांसी की सजा दे दिया कुवैत सरकार ने। इस्लामिक कंट्री कट्टरवादी कंप्यूटर देश जहां पर कट्टरवाद की परम सीमा है और उस कट्टर देश में हमारे आठ नागरिकों को पूर्व सेना के जवानों को फांसी की सजा दी गई। मोदी ने जैसे प्रेशर किया कुवैत की सरकार ने फांसी से हटा करके 25 साल या कितने की सजा करी। फिर मोदी जी ने प्रेशर किया कुवैत होश में रहो हमारे नागरिकों को छोड़ दो पुराना वाला भारत नहीं है ये नेहरू वाला भारत नहीं है राजीव गांधी वाला भारत नहीं है ये मोदी वाला भारत है और मोदी ने देश को गारंटी दे दिया है कि हम अपने आठों नागरिकों को छुड़वाएंगे। कुवैत की सरकार मजबूर होकर के उन भारतीयों को छोड़ दिया आज सुरक्षित भारत में हमारे वो नागरिक आ गए। अभी कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान में अभिनंदन आप सोचो कोई सोचा था कि पाकिस्तान से हमारा कोई सैनिक वापस आ जाएगा लेकिन हमारा वो सैनिक सुरक्षित वापस आया। मैं जब बहरीन में गया तो बहरीन में जाने के बाद मैंने देखा वहां के नागरिकों ने जानते हैं क्या कहा अब तो हम लोग को डर ही नहीं लगता है विधायक जी हम लोग बड़ा सीने तान के जाते पहले लोग हम लोग को इंडियन बुलाते थे और बड़ा हे दृष्टि से देखते थे लेकिन अब कतर मोदी वाला देश का है मोदी वाला देश का है माने अब लोग वहां पर कहते कितना लोग कहते शेख लोग हम लोगों से डरते हैं। अरे भैया इसको सम्मान दो इज्जत दो चाय पानी पिलाओ खिलाओ पिलाओ ध्यान दो मैंने इतनी मोदी की तारीफ बहरीन में मैंने देखा उत्तर प्रदेश के लोग प्रभु ने किया मैं किस्ता नहीं मिल गया आपने लाइव में देखा होगा हमने कहा भारत अच्छा पाकिस्तान का भारत 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 इंडिया 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 खुश हो गया इंडिया का नाम हमने कहा बोले भारत माता का हज जय हमने कहा बोले जय श्री राम का हज जय श्री राम। तो आज भारत की यह छवि हो गई कि विदेश में रहने वाले लोग और सुनिए ताजुब की बात हमने बहरीन वालों से पूछा कि कब आप लोग एक दूसरे को जाने 2 महीना पहले मोदी जी ने एक अभियान चलाया था राधा मोहन अग्रवाल जी को भेजा था कि बहरीन में जितने उत्तर प्रदेश के लोग हैं उनको सबकी एक गोष्ठी करिए भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करें। शायद इस पृथ्वी पर किसी ने अगर इस तरीके का हिम्मत इस पद पर पहुंचने की बात किया है वो हमारे लाडले नेता हमारे प्यारे नेता इस देश के नेता 140 करोड़ के नेता श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने किया है कहा हटाया मोदी जी ने कहा राम मंदिर बनेगा राम मंदिर बना
चारों धाम का विकास करने को कहा, चारों धाम का विकास हुआ। गरीबों को गरीबी का हक देने को कहा, आज आवास से लेकर शौचालय से लेकर के इलाज के पैसे से लेकर फ्री में अन्न से लेकर के किसानों को किसान सम्मान निधि से लेकर के आज हर घर में नल जल योजना से लेकर के हर घर में बिजली पहुंचाने से लेकर के हर गरीब को पेंशन देने से लेकर के कौन सी योजना है जो हमारी सरकार हमारे मोदी जी गरीबों तक नहीं पहुंचा रहे हैं। आज चंद्रयान से लेकर के पूरे विश्व में भारत का जो सम्मान मोदी जी ने बढ़ाया, कभी कोई सोचा था? अभी मैं गया था दुबई कुछ दिन पहले, तो मैं 14,000 फीट से छलांग लगा लिया, जहाज से मैं कूद गया 14,000 फीट से। करोड़ों लोगों ने उसको देखा, और हम जब मैं आया इंडिया तो हमको कई लोगों ने पूछा ही, विधायक जी तुम्हें डर माय लाल? डर तो सही में लाग रहा, लेकिन हिम्मत बनाई तो कूदी। ठीक, कितने लोगों ने पूछा विधायक जी डर नहीं लगा? कैसे आप कूद गए? और आप जरा सोचो, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक लाइन में उसमें जोड़ना चाहता हूं, जब मैं कूदा तो हमारे कई विधायक साथियों ने कहा, अरे यार तुम विधायक होकर के जहाज से कूद गए, विधायक बनने के लिए लोग तरसते हैं, अगर कहीं मरमरा गए होते तब। हम कहे राजू ई कौन बात है, मरमराई हुई माने विधायक बने के बाद आदमी बहुत खतरा वाला काम नहीं करत का? हम कहे विधायक ही बने के बाद खतरा करत, विधायक के पहले कोनो दुश्मनी नहीं रहा, विधायक बने के बाद जेकर काम हो ये ठीक, और जेकर ना हो वो जान लो तो दुश्मन के नहीं देखत हो। और तो और जेकरे पड़ोसी पड़ोसी पैरवी कह जाए जान लो, जितनी दुश्मनी अपने पड़ोसी बा उतने दुश्मनी विधायकों से ही है। हमके इसमें कौन सी डर की बात? अब कितने लोगों ने मुझसे कहा, रहे यार क्या जब सब कुछ मिल जाए, जब आप इच्छा कर रखते हो जो जो प्राप्त हो जाए, जब आप बहुत बड़े हो जाए, जब आप किसी बड़े पद तक पहुंचाए, तो रिस्क वाला काम नहीं लेना चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं। जब आप बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाइए तो रिस्क का काम नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें सीख लेनी चाहिए इस देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, जिनकी उम्र 72 की उम्र में, अभी 60 साल के बाद वालों को कह दीजिए कि चले जब कार्यक्रम में, कहीं बहुत घुटना पीड़ा तो बाटे, हमारे घुटनों में बड़ा दर्द भैया, हम चलो न पाई, हम ही रहा जहां कहा ठीक हुआ आशीर्वाद तोड़े संगीता में दौड़ावा जी, लेकिन धन्यवाद देना चाहिए, आभार प्रकट करता हूं। आज सकल ट्रेन से लखनऊ जाने वालों की संख्या अगर मैं कहूं तो कम से कम 400 से 500 एक एक दिन में हमारे श्री कृष्णा नगर रेलवे स्टेशन से लोग सकल ट्रेन पकड़ के जा रहे हैं। और मैंने अपील किया था, मुझे याद है हमने कहा था कि अपनी कार से लखनऊ मत जाइए, अपनी कार से लखनऊ जाना बंद करिए, कई लोग अकेले चल जाते हैं लखनऊ कार से, अरे 100 रुपए के किराया में हम बोले 90 रुपया कितना होगा जी किराया यहां से लखनऊ, 95 रुपए के किराया में बिना झटका बिना धक्का बिना धुट्टी के आराम से सांड की तरह राजा की तरह बैठ करके आप ट्रेन से जो है लखनऊ कितने घंटे में पहुंच जाते हैं? 2.5 घंटे में। और अगर अपनी पर्सनल कार से भी अगर आप जाते हो तो पर्सनल कार से भी जाने में कम से कम 3 से 3.5 घंटा लग जाता है, डीजल अलग पीता है, रास्ते में खतरा अलग बना रहता है, गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर को आप बार बार टोकते हो, धीरे चलो, ब्रेक लगाओ, आगे देखो, दाहिने देखो, पाछे देखो।